गैलोपेगस द्वीप में डार्विन की फिंचे, खरपतवारों में शाकनाशी का प्रतिरोध, ससीम केंद्र की दवाइयों का प्रतिरोध, मनुष्य द्वारा बनाई पालतू पशु जैसे कुत्तों की नस्लें, जबकि इनमें इनमें तीन कारण जो प्राकृत एक कारण प्राकृतिक है जबकि अन्य कारण मनुष्य के द्वारा उत्पन्न है, इसलिए इसमें थर्ड आंसर आएगा। 92 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उचित मिलान को चुनिए। ए ऑप्शन है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, कॉर्टी यानी कॉर्टी का अंग कौन सा होता है, तो इसमें आएगा बेसिलर की झिल्ली में पाया जाता है, ये कान में पाया जाने वाला अंग है। कोक्लिया, कोक्लिया तंत्र लेबिरिंथ के घुमावदार भाग में पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा थर्ड। अब हम बात करने वाले हैं 93 क्वेश्चन की, इसमें है कि प्रतिरक्षा के संबंध में कौन सा गलत कथन है, इसमें आएगा सक्रिय प्रतिरक्षा जल्दी होती है और पूर्ण प्रतिक्रिया देती है, क्योंकि उसमें क्या है जब सक्रिय प्रतिरक्षा होने है ना तो उसमें टाइम लगता है, जबकि इसमें पूर्ण प्रतिक्रिया देने की बात करेंगे। अब इसमें अंतः श्वसन के समय कौन सी घटनाएं होती है, अंतः श्वसन के समय डायफ्राम में संकुचन होता है, बाह्य अंतरापर्शी पेशियों में संकुचन होता है, लेकिन अंतराफुसीय दाब का मान कम होता है, इस जबकि इसमें बढ़ता हुआ दे रखा है, इसमें ए व बी ऑप्शन राइट होंगे। प्रकाश श्वसन में रूबिस्को रूबिस्को के लिए निम्न में से ऑक्सीजनीकरण के लिए उत्तरदायी है, इसमें आंसर होगा सेकंड, क्योंकि तीन कार्बन का ओनली एक अणु बनता है। इसमें प्रकाश श्वसन की बात कही गई है, इसमें रूबिस्को की बात कही गई है। प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था मानव शरीर में स्पोरोजोइट होती है जो कि जीवाणुज हिंदी में दिया हुआ है। अंतरिक्ष कायों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इनमें से आएगा खाद्य कणों का अंतर्ग्रहण में शामिल होते हैं। ओके, आठवां क्वेश्चन है, सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र का विघटन होता है डिप्लोटीन अवस्था में, याद रखना द्विपट के दौरान। अर्पुष्पक में क्या होता है, अर्पुष्पक में अधोवर्ती अंडाशय होता है, इन्फेरियर ओवरी। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पृथक्करण के लिए डीएनए के खंडों की किसकी सहायता से देखा जाता है, इसको यूवी रेज और इथिडियम ब्रोमाइड की सहायता से देखा जाता है। निम्नलिखित में से 101वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तकनीक की सहायता से ऐसी स्त्रियां जो गर्भधारण नहीं कर सकती में भ्रूण को स्थानांतरित किया जाता है, जिफ्ट और आईयूटी यानी जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर और इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ओके, यौन संचारित रोगों का सही विकल्प का चयन करो, यौन संचारित रोग है सुजाक सिफिलिस जननिक सरीसृप। ऑक्सीजन के परिवहन के संदर्भ में गलत कथन को पहचानो, CO2 का इसका आंसर होगा वायु की कूपिकाओं में H+ की सांद्रता बढ़ने पर, क्योंकि उसमें pH का मान कम होता है तो ऑक्सीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। जबकि अब हम बात करने वाले हैं निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए, इसमें गलत कथन है रस दारू जड़ की पत्ती में जड़ के चालन और खनिजों के रसायन में शामिल होता है। ओके, अब हम बात करने वाले हैं 105 क्वेश्चन की, प्रतिबंधन एंजाइमों के विषय में गलत कथन को पहचानिए, इसमें क्या है प्रत्येक प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए क्रम की लंबाई का निरीक्षण करने का कार्य करती है, ये गलत है क्योंकि ये डीएनए की लड़ी के पॉलीएंड्रम की स्थलों को काटते हैं, ये अनुवांशिक इंजीनियरिंग में उपयोगी है लेकिन डीएनए लाइगेज को जोड़ते हैं। फ्लोरिडियोन मंड में किसके समान होता है, यह एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के समान होता है, सही विकल्प का चयन कीजिए, इसमें लाइगेज आएगा जो डीएनए के दो अणुओं को जोड़ता है। क्रमागत उन्नति के लिए भ्रूणीय प्रमाण किसने अस्वीकार किया था, कार्ल अर्नेस्ट बोन मेयर ने। ट्रांसलेशन अनुवाद की प्रथम अवस्था टीआरएनए का एमीन एसिलेशन यानी उसका फॉर्मेशन किया जाता है। इसमें पादप का वह भाग जो कौन सी दो पीढ़ी एक पीढ़ी में दूसरे में, इसमें पराकोष के अंदर पराकण और बीजांत के अंदर भ्रूणकोष। सिट्रिक अम्ल में एक घुमावदार फॉस्फोराइलेशन चक्र, इसका आंसर होगा एक। निम्न में इसमें मिसान सही मिलान का चयन कीजिए, इसमें प्लावी पसलिया होती है जो उरोस्थी से नहीं जुड़ी हुई होती है, इसमें आएगा चौथा आंसर। निम्न रोगों का सही मिलान कीजिए, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी, न्यूमोनिया हीमोफिकस न्यूमोनी, ये इसमें सेकंड आंसर होगा। ओके, मोट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 में हुआ था वो ओजोन परत के से को रोकने के लिए आयोजित किया गया था। ईसीजी में ये वाली रेस जो ये पी
ये क्यू, ये आर, ये एस, ये टी, तो इसके लिए पूछा गया। ये नीले की विध्रुवण को दर्शाती है। ओके, उस वृद्धि नियंत्रक का नाम बताइए जो गन्ने की फसल में तने की लंबाई की बढ़ोतरी तथा गन्ने में फसल में पैदावार को बढ़ती है। इसमें आएगा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या होता है? उसके तने में वृद्धि करता है जिससे 20 टन प्रति एकड़ उसका उत्पादन बढ़ जाता है। मेंडल ने स्वतंत्र प्रजनन करने के लिए मटर के पौधे में कितनी किस्मों के युग्मों के रूप में चुना और विपरीत विशेषकों वाले एक लक्षण के अलावा एक समान थी? इसमें आएगा सेकंड आंसर, दो किस्में समान थी। द्विपार्श्व सममिति और अगुई जंतुओं में किस संघ में रखा जाता है? प्लेटी हेलमिंथी, जबकि एस्के हेलमिंथीज प्रगुई प्राणी है, जबकि अन्य अगुई प्राणी है। सूक्ष्म अंकुरों के ब्रश बॉर्डर की उपकला किसमें पाई जाती है? आंत्र के आयस्तर में पाई जाती है। ओके, शुक्रेंद्र की कोशिकाओं में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का मुख्य स्थल ग्लोल्जी बॉडी होता है, याद रखना। प्रकाश अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को प्लास्टोक्विनोन कहाँ से सुगम बनाता है? पीएस सेकंड से साइटोप सिक्स के द्वारा यह स्थानांतरित किया जाता है। पीएस सेकंड का मान नहीं। अनिवार्य तत्वों में विषय में कार्यों को निम्नलिखित सम्मिलित कीजिए। इसमें बोरोन परागकणों के अंकुरण में, जिंक क्लोरोफिल के संश्लेषण में, इसमें थर्ड आंसर होगा। तने के आधार पर उत्पन्न होने वाली जड़ों को क्या कहते हैं? इन्हें फाइब्रस रूट, जकड़ा जड़ बोलते हैं, जो लश तने से स्टार्ट होती है। एसएल मिलर ने अपने एक बंद फ्लास्क, जो कि केमिकल रसायन का नियम था, इसे 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर चारों गैसों को 2:3 पर रखा गया। क्षारीय एमिनो एसिड, बेसिक एमिनो एसिड, लाइसीन, जो यह क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, यह क्वेश्चन बायो में भी है, सेम टू सेम क्वेश्चन। ओके, वृद्धि की प्रक्रिया सर्वाधिक कहाँ पर होती है? लोक प्रावस्था में इस वृद्धि की सर्वाधिक प्रावस्था होती है। निम्नलिखित में मूत्र की कौन सी अवस्था डायबिटीज मेलिटस की ओर संकेत करती है? कीटोन यूरिया, जिसमें कीटोन काय का उत्सर्जन होता है। ग्लाइकोसूरिया, जिसमें ग्लूकोज का मूत्र के साथ उत्सर्जन होता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें आएगा दात्र कोशिका रक्तालपता, जो कि अलिंग प्रभावी रोग है। स्ट्रोग्लाइस शंकु किसमें पाए जाते हैं? इक्विसिटम में। चीन में एबी जीन आई के लिए एबी उतंत्र नियंत्रण करता है, जिस संदर्भ में गलत कथन, आईए और आईबी किसी प्रकार की सुगर का निर्माण नहीं करते हैं। मानव पाचन तंत्र में शुद्रांत्र अत्यधिक कुंडलित भाग होता है, जबकि यह अंतिम भाग होता है जो पीढ़ियाँ से जुड़ता है। इसके बाद में हम 132 क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आएगा निम्न में से मूत्र वृद्धि को रोकने के लिए सहायक है? इसमें आएगा एल्डोस्टेरोन के कारण वृक्क नलिका में क्या होता है? सोडियम और पोटेशियम का पुनरावशोषण बढ़ जाता है। अर्धसूत्री उपादान निम्नलिखित में से को सम्मिलित कीजिए। इसमें आएगा युग्मपट अवस्था, इसमें जीन विनिमय होता है, इसमें स्थूलपट जीन विनिमय पैकाइटिन अवस्था में होता है, इसलिए इसमें 133 में सेकंड आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कौन से बीज प्रसुप्ति के लिए नियंत्रित करने वाला निरोधक नहीं है, यानी जो बीज प्रसुप्ति को बढ़ाते हैं? इनमें सब बीज प्रसुप्ति को बढ़ाते हैं, जिब्रेलिक एसिड बीज प्रसुप्ति को नहीं बढ़ाता है। निम्न स्तंभों में चयन करो, तो बीटी कपास को बेसिलस थ्रियोजेसिस से पृथक किया गया है, इसलिए हमारा फर्स्ट आंसर आएगा। 136 में आंसर आएगा, फर्स्ट आंसर होगा। एक वेक्टर में सहलग्नि डीएनए की प्रति की संख्या को किसके द्वारा? ओआरआई साइट के द्वारा निरोधक किया जाता है। अंटार्कटिका क्षेत्र में हिमांधता किस कारण होती है? अंटार्कटिका में जो होल बना हुआ है, ब्लैक होल जिसके नाम से जाना जाता है, वो ओजोन छिद्र, तो यूवी रेज उनके अंदर प्रवेश कर जाती है और उनका कोर्निया समाप्त होने लगता है। लगभग 7 मिलियन जातियां रोबर्ट के द्वारा बताई गई है। किस विदेश में बीकानेरी एवीज और मेरिनो रैम्स भेड़ की नई नस्ल हिसार डेल तैयार की गई? संकरण के द्वारा। विश्व के निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम जैव विविधता वाला दर्शाता है? अमेजोन के जंगल, याद रखना। 142 क्वेश्चन है, इसमें आंसर होगा तीसरा। 143 क्वेश्चन है, सही नहीं है, निम्न में इसमें से सही नहीं है। इसमें क्या है? ए व बी के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं, जबकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड दे रखा है। ओके, चलो हम 144 क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें बेसिलस थ्रियोजेंसिस में क्राई प्रोटीन पाई जाती है, इसलिए सेकंड आंसर होगा। कोशिकीय सेवाल है क्लोरेला और स्पाइरुलिना, जबकि ये वोल्वोक्स बहुकोशिकीय होता है, लेमिनेरिया भी बहुकोशिकीय होता है। द्वितीय अंडक का विभाजन शुक्राणु और अंडाणु के दोनों के संपर्क में आने पर होता है। ओके, द्वितीय उपापचय में निकोटीन, स्टेटिन और कैफीन किस काम में लिए जाते हैं? वृद्धि में प्रभाव पड़ता है इनका। ओके, वृद्धि में। संघ कोर डेटा, यूरो कोर डेटा और न्यू कोर डेटा दोनों में
कौन सा इसमें थर्ड आंसर होगा, ए व बी सही है। बीटी कपास बेसिलस विस जीन कीट पीड़कों के लिए, गुलवर्म और फिलवर्म दोनों के लिए। फली वाले पादपों के लिए जड़ की क्रांतिकाओं में नाइट्रोजिनेज द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया का उत्पाद है अमोनिया और हाइड्रोजन, क्योंकि उसमें एट इलेक्ट्रॉन्स और एट प्रोटॉन काम में लिए जाते हैं। पीयूष ग्रंथि से डायबिटीज इंसिपिटस, क्योंकि एंटी डायूरेटिक हार्मोन उसके द्वारा निकलता है, और अधिवृक्क ग्रंथि को हटाने पर एडिवेशन का रोग होता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन बहुतायत में होती है? कोलेजोन प्रोटीन, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड बनाती है। अंतरावस्था जीवन के लिए सही कथन है। इसमें कोशिकाएं उपचाई उपापचयी रूप से सक्रिय होती है, लेकिन प्रतिकृति नहीं कर पाती है। घास की भूमि में प्रथम पोषी स्तर हमेशा घास होती है। अधोवर्ती अंडाशय आलू बुखारा प्लम में पाया जाता है। बीजांड का पिंड जिस जगह से बीजांड वंश से संलयित होता है उसे नाभिका कहते हैं, हाइलम। इको आर फर्स्ट में पोली एंड्रोमिक प्रक्रम, जो 3 डेज से 5 डेज और 5 डेज से 3 डोज की ओर पढ़ने पर समान प्राप्त होता है, उसे पहली एंड्रोमिक प्रक्रम कहते हैं। वायरॉइड के विषय में सही कथन है कि वायरॉइड एक प्रोटीन आवरण के बिना आरएनए स्वतंत्र, इसके कारण इनका अणुभार बहुत कम होता है। जलकुंभी और जललिली में परागण किसके द्वारा होता है? कीट और वायु के द्वारा। इसमें जल के द्वारा परागण नहीं होता है। एक अनुप्रस्थ का शारीरिक, इसमें आएगा द्विबीजपत्री तना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें क्या होता है? एच बंधु थायमिन में युग्म में पाया जाता है। सही कथन का चयन कीजिए। ग्लूकोकोर्टिकोइड ग्लूकोजिनोलाइसिस में काम में लिए जाते हैं। एक सौ चौसठवा क्वेश्चन है, इयूसिनोफिल्स प्रतिरक्षा फर्स्ट में थर्ड काम में ली जाती है। ओके, तिलचट्टे में सिर हटा दिया जाए तो कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, क्योंकि उसके अदर भाग में तंत्रिकाएं पाई जाती है, जबकि मस्तिष्क भाग में तंत्रिकाएं कम पाई जाती है। अनुलेखन में डीएनए कुंडली को खोलने के लिए कौन सा एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। पेंगुइन और डॉल्फिन में अभिसारी विकास के कारण पेंगुइन धरती पर चल पाता है, जबकि वो जल में ही तैर पाती है। प्रोजेस्टेरोन का ग्राफियन पुटिका अंडाणु का मोचन एस्ट्रोजन की अधिकता के कारण कर पाती है। दो लगातार क्षार युग्मों के मध्य की दूरी 0.9 मीटर, डीएनए के क्षार युग्मों की कुल संख्या, इसमें डीएनए के बीच की दूरी और इनको गुणा करने पर दोनों में 2.2 मीटर की दूरी प्राप्त हो जाती है। एक सत्र अपरा अपरा के द्वारा मानव जरायु गोनेट्रोपिन एचजीपी का स्त्राव कराया जाता है, इसलिए चौथा आंसर हो जाएगा। क्लास्ट्रिडियम इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। आहार नाल में गोबलेट सेल को रूपांतरित हो जाती है स्तंभाकार सलकला उपकलम। वंशागति के गुणसूत्र सिद्धांत का प्रमाण किसने दिया? मॉर्गन ने, जो आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। रात्रि में पूर्ण या प्रातः काल में घास की पत्तियों के शीर्ष में जल में द्रव अवस्था में निकलने वाले, जिसे हम कहते हैं बिंदु श्रावण, ये मूल दाब का प्रमुख कारण है। पेप्टाइड संरचनाओं को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं, इनुलिन और इंसुलिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव संख्या का एक गुण नहीं है? जाति परस्पर प्रक्रिया, अन्य तो जीव संख्या में आते हैं। एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिन को ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलता है। जीनोट प्रावस्था के लिए कौन सा कथन? जीनोट प्रावस्था किस अवस्था के बाद में आती है? तो इसमें आएगा जीवन फेज के बाद में। एक पारितंत्र में प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता के संबंध में, नेट प्राथमिक उत्पादकता होती है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पायरेशन लॉस। तो इसमें हमेशा ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमेशा दर्जा होती है। निम्नलिखित में से वायुष्मल उपचार के लिए वायु आपक, इसमें आएगा सक्रिय तापक। ओके, थैंक यू दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली अपडेट मिलती रहे।